आप लोग को सही राह दिखाना, यह हमारा लक्ष्य है साथियों। क्योंकि देखिए, हमें पहले समझाने वाला कोई नहीं था, आज हम पर जब बीता हुआ है, हम पर जब समय दें, जब समय का पहाड़ टूटता है तो इससे बड़ा पहाड़ किसी का भी नहीं रहता है। क्योंकि साथियों देखिए, जब समय सिखाता है ना, तो दुनिया का कोई भी चीज़ कोई भी साथ दे दे, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे, टाइम है साथियों, समय है, आप लोग अपने प्रेशर डिप्रेशन को जो है कंटिन्यू रखिए, बाकी लाइफ में सारी चीज़ें होती रहेंगी। जय हिंद साथियों। साथियों आप लोग को बतला दें, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, और फिर इस बार यानी कि 2024 में एसएससी जीडी का कट ऑफ क्या होने का संभावना है। देखिए साथियों, जो आप लोग का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, हमने वो पहले से ही प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप लोग को यहाँ पर सामने लिख दिए हैं। किसका कट ऑफ है, तो देखिए ये एसएससी जीडी का जनरल एरिया का जनरल कैंडिडेट्स का ये कट ऑफ हमने यहाँ पर जो है लिखा है, ठीक है। ये जो है आप लोग का, जैसे नागालैंड में 71 आप लोग का कट ऑफ गया था, किसके लिए, तो जनरल एरिया के लिए जनरल कैंडिडेट्स का ये आप लोग का कट ऑफ हम यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओबीसी वाले समझिएगा कि आप लोग का कट ऑफ है, ये जनरल का कट ऑफ है, इससे आप लोग का लगभग 2 से 3 नंबर कम आप लोग का ओबीसी का भी, सभी लगभग आप लोग का जो है स्टेट में आया हुआ था। तो अभी के सेशन में हम आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को देखते हुए इस बार आप लोगों की कट ऑफ आने की क्या संभावना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को साथियों प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए तो। देखिए साथियों, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है बहुत सारे सेंटर का कैंसिल कर दिया गया है। आयोग ने बताया है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसे कैंसिल करना पड़ा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए अभी आप लोग का करंट में जो सीआर रीजन है, सीआर रीजन में कट ऑफ जो है हाई जाने की संभावना हो, क्योंकि आप लोग को अच्छे से मालूम है कि सीआर रीजन में ही ज़्यादातर जो है फॉर्म जो है ज़्यादातर एग्जाम का जो है सेंटर को कैंसिल किया गया है, और उन्हीं लोगों का री एग्जाम आप लोग को 30 तारीख को होने वाला है। तो उसको देखते हुए देखिए साथ, उसके लिए भी आप लोग को हम बिहार का यहाँ पर जो कटअप है इसमें आप लोग को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कहें तो A to Z आप लोग को इन्फॉर्मेशन सेशन में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। देखिए साथियों, ये आप लोगों का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का कटअप है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हम कट ऑफ आप लोग का नोट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में आप लोग का यही कट ऑफ आया हुआ था। अगर आप लोग एक्सपेक्टेड खुद से करना चाहते हैं तो आप लोग कर भी सकते हैं कि देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश में 72 आप लोग का प्रीवियस ईयर में साथियों कट ऑफ आया हुआ था, तो इस बार आने की क्या संभावना है। तो देखिए साथियों, जब भी आप लोग पहले की देखिएगा ना कट ऑफ, तो कट ऑफ को जब आप लोग पहले का कट ऑफ को झांकिएगा, पिछले प्रीवियस 2-3 ईयर के कट ऑफ को आप लोग झांकिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो अभी का आप लोग का कट ऑफ आने वाला है, मैक्सिमम अगर जाएगा ना साथियों, मैक्सिमम की अगर बात करें तो 74 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 नंबर कट ऑफ आप लोग का ज्यादा जाएगा या 20 नंबर जाएगा। बहुत सारे यहाँ शिक्षकों के द्वारा बतलाया जा रहा है, तो भैया बच्चों का यह मनोबल तोड़ना कहेगा और कुछ नहीं कहेगा। देखिए भाई, हम साफ साफ बतला दे रहे हैं, कभी भी आप लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को छानिएगा ना, तो आप लोग को देखने को मिलेगा मात्र साथियों मात्र 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं देखने को मिला है अभी तक, हम जितना भी कट ऑफ चेक किए हुए हैं, ठीक है। और साथियों, आप लोग को सबसे बड़ा चीज यहां पर बता दें, ये जो आप लोग का कट ऑफ है, ये कट ऑफ एसएससी जीडी का फिजिकल का है, ध्यान रखिएगा किसका है। तो साथियों यहां पर आप लोग के लिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए फिजिकल का है, जो आप लोग का कट ऑफ आता है ना एसएससी जीडी का, वो 3 स्टेप में आता है, पहला फिजिकल, दूसरा मेडिकल, और तीसरा आता है आप लोगों का मेरिट के लिए। तो ये जो आप लोग का हम अभी कट ऑफ बता रहे हैं, ये कट ऑफ आप लोग का फिजिकल का रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम देकर के आए हुए हैं, कुछ सेंटर का एग्जाम जो है कैंसिल भी हुआ है, उनका फिर से एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद एक ही बार सभी का जो है आंसर की आने की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का आंसर की पहले आ जाएगा उनके बाद में आएगा, सब एक ही बार आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर समझिए, अरुणाचल प्रदेश का आप लोग का 48 आया हुआ था, जनरल एरिया का जनरल वाले कैंडिडेट्स का यहां पर आने की जो संभावना है साथियों, आप लोगों को साफ साफ बता दें। देखिए हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल डाटा बनाए हुए हैं, जो कि साथियों लगभग 3 से 4 घंटे इस पर वर्क करने पर यह डाटा निकल करके आ रहा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का हम लगभग 3-4 साल पहले का जितना भी कट ऑफ है एसएससी जीडी का सारा देखते हुए आप लोग के लिए कट ऑफ जो है यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, जो आप लोग को सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, तो आप लोग की जो कट ऑफ है यहाँ पर 50 आने की संभावना है साथियों, और इससे ज़्यादा नहीं भी आएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है।
असम की अगर बात करें तो देखिए साथियों यहाँ पर 58 आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में आप लोग का 56 आया हुआ था असम में। बिहार की अगर बात करें साथियों तो बिहार में आप लोग का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों हम ये बोलेंगे ना कि इस बार आप लोग का बिहार का जो कटअप है 123 से लेकर के 126 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए दोबारा एग्जाम जो हो रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा भाड़ने वाला है साथियों। क्यों? क्योंकि देखिए भाई इसमें कैंडिडेट्स को टाइम मिल गया, सबसे पहले उन लोगों ने एक एग्जाम दे दिया, उनको कुछ हल्का फुल्का जो है नॉलेज हो गया इस बार पैटर्न क्या आने वाला है आगे, तो पिछले पैटर्न देखते हुए नए भाई आएगा, कितना आयोग बदलाव करेगा, कितना बदलाव करेगा, ज़्यादा तो बदलाव करने वाला है नहीं, पैटर्न को ही देखते हुए एग्जाम आप लोग का लेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का मैक्सिमम आएगा तो भैया 123 से 126 आने की संभावना है, हम यही बोलेंगे। पहले का आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर का जब एसएससी जीडी का कटअप देखेंगे, हम कुछ दिन पहले बतलाए थे तो हम बिहार का 117 ही बोल रहे थे, ठीक है 117, मगर भैया जब ये दोबारा एग्जाम ले रहा है ना इसमें भैया बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बतला दे आप लोग को साथियों, देखिए ये मेरा साथियों पहले का कटअप है 117, मगर ये एग्जाम के कारण हम बतला रहे हैं, एग्जाम के कारण और कोई भी कारण नहीं है। चलिए आगे बात करें साथियों चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में 76 आया हुआ था और इस बार भी साथियों आप लोग का 76 ही आने की संभावना है। चलिए दिल्ली की अगर बात करें हमारे भाई तो 111 आया था, 114 आने की यहाँ पर दिल्ली की संभावना है साथियों। गोवा में अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए गोवा में साथियों ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 48 गया हुआ था, इस बार आप लोग का डाउन नहीं जाएगा, 47 जाएगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाने वाला है। गुजरात में 75 गया था साथियों, और यहीं पर बात करेगा 2024 में इस बार का कट ऑफ साथियों 76 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हरियाणा की अगर बात करें साथियों तो 122 गया हुआ था, इस बार 120 जाएगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाने वाला है साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हरियाणा में साथियों हरियाणा हो गया आप लोग का, बिहार हो गया, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सब जगहों पर कटअप थोड़ा हाई जाता है। इधर आ जाइएगा तो राजस्थान में जाता है, इधर उत्तर प्रदेश में जाता है, उत्तराखंड में भी आप लोग का मिला जुला करके ठीक ठाक कटअप जाता है, कटअप जो है इधर थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश की अगर साथियों अगर बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग को यहाँ पर साथियों बतला दे रहे हैं, इसका कुछ सटीक आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो हम आप लोगों को बोलेंगे 108 आप लोग लेकर चलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए। और साथियों आप लोग को ये भी आप लोग को अपडेट कर दे, नक्सल के लिए या फिर बॉर्डर एरिया के लिए, अगर आप लोग नक्सल एरिया से हैं या फिर बॉर्डर एरिया से हैं, आप लोग को अपना कट ऑफ जानना है तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट करिए, आप लोग को हम कट ऑफ आपका बतला देंगे। चलिए जम्मू श्रीनगर में साथियों अगर बात करें तो 64 गया हुआ था, इस बार 66 आने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी हमारे मित्र। चलिए झारखंड की अगर बात करें साथियों 105 गया हुआ था, आप लोग का यहाँ पर 108 जाने की संभावना बनती है साथियों। कर्नाटका, कर्नाटका में 61 गया था, 64 यहाँ पर जाने की संभावना है साथियों। देखिए केरला 60 गई हुई थी कट ऑफ, ठीक है, इस बार आप लोगों की 59 जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बोलेंगे आप लोगों को 58 से 59 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है इस बार आप लोग का केरला का भाई। चलिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश में 118 गया हुआ था, 118 में साथियों 118 में आप लोग को यहाँ पर हम सूचना दे दें, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, देखिए यहाँ पर आप लोग का एक लद्दाख बच रहा है ना, सॉरी सॉरी साथियों, लद्दाख की बात करें 48, तो आप लोग का यहाँ पर साथियों 48 भी इस बार भी जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 118 गया था, 117 जाएगी, डाउन जाने वाली है मध्य प्रदेश की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। महाराष्ट्र 84 गया था साथियों, 87 आप लोग का 2024 में कटअप रहने की संभावना है साथियों। ठीक है, चलिए मणिपुर की अगर बात करें तो 54 गया हुआ था और इस बार भी आप लोग का यहाँ पर मित्र 54 ही जाने की संभावना बनती है। ठीक है, क्यों बन रही है तो देखिए हम सारा डाटा को देखते हुए छानबीन करते हुए आप लोगों के लिए हम डाटा जो है कलेक्ट किए हैं साथियों, तब जाकर के आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है, तो मणिपुर 54 ही जाएगा, मिजोरम और फिर मेघालय साथियों यहाँ पर 48 पिछली बार भी गया था और इस बार भी यहाँ पर 48 ही जाने की संभावना बनती है साथियों। चलिए अब नागालैंड, साथियों आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन के लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है हमारे बिहार में होली का समय है तो भैया
गाना तो बजेगा ही, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, चलिए इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, मगर ये भी आप लोग से आशा करेंगे थोड़ा सा इसे आप लोग नेग्लेक्ट करिएगा हमारे मित्र। चलिए आगे नागालैंड की अगर बात करें, 71 गया हुआ था हमारे दोस्त, तो 71 में आप लोग का इस बार ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाएगा, 72 ही जाने की संभावना है नागालैंड की। उड़ीसा में आप लोग को 83, देखिए साथ यहाँ पर -3 यानी कि 83 यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना बनती है साथियों। उड़ीसा का जो भी है कैंडिडेट से हमारा बात हुआ है, उड़ीसा के जो भी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर कुछ मित्र भी हैं, उन सभी से बात हुआ है, तब जाकर के यहाँ का जो कटअप है मालूम निकल करके आ रहा है कि 83 से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। पुद्दुचेरी की अगर बात करें साथियों, तो 58 गया हुआ था, इस बार भी आप लोग का 58 ही रहने वाला है। पंजाब, पंजाब में देखिए साथियों 73 गया हुआ था, इस बार आप लोग का मित्र यहाँ पर बढ़ने की संभावना बनती है, 76 यहाँ पर जो है पंजाब की संभावना बन रही है एक्सपेक्टेड कटअप आने की। राजस्थान साथियों हाईएस्ट गया हुआ था 122 यहाँ पर आप लोग का, राजस्थान में गया हुआ था और उससे भी ज़्यादा यूपी में गया हुआ था, ठीक है, तो यूपी का भी आप लोग को बतलाएंगे। और देखिए राजस्थान में साथियों क्या हो रहा है ना आजकल, बड़ा यहाँ के जो बच्चे हैं ना, बड़ा यहाँ पर जो है पढ़ने में बड़ा आजकल यहाँ पर जो है रुचि रख रहे हैं राजस्थान के कैंडिडेट्स। आप लोग कभी राजस्थान जाइएगा तो देखिएगा वहाँ के जो लड़के हैं या फिर लड़कियाँ हैं, सभी का जो पढ़ने में रुचि है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम बोलेंगे अगर कोई अभी कंपटीशन दे सकता है ना यूपी बिहार को, तो वो बंदा दिख रहा है राजस्थान वाले, क्योंकि राजस्थान वाले मेहनत करने में अभी बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं। चलिए सिक्किम की अगर बात करें हमारे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले तो यहाँ पर एक केस छूट गया है, आपको इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहेंगे। सिक्किम, सिक्किम में अगर बात करें साथियों, तो 48 गया हुआ था, इस बार भी आप लोग का 48 ही आने की संभावना है साथियों। तमिलनाडु में 50 गया हुआ था, इस बार आप लोग का 51 आएगा। देखिए साथियों आप लोग से एक बात फिर हम बोलेंगे, देखिए आप लोग का IPL हो गया, होली हो गया, लाइफ में तो ये सब बार बार आएंगे, मगर ये जो आप लोग का अभी समय है ना प्रिपरेशन करने का, ये बार बार नहीं आएगी साथियों। आप लोग से आग्रह करेंगे आप लोग अपने तैयारी को जो है नहीं रोकिएगा, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। होली खेलना है खेलिए, आप लोग को कुछ भी करना है, घूमना फिरना है, बाइक चलाना है, थोड़ा सोच समझ कर चलाइएगा साथियों, क्योंकि देखिए हम यही बोलेंगे हम जो है अपने लाइफ में पछता चुके हैं, अपने लाइफ में हम ये सब जो सामना है ये सब करके हम आज झेल चुके हैं, तब आप लोगों को शुरू से जो है सतर्क करने की कोशिश करते हैं हमारे भाई, ठीक है। एक ही बात बोलेंगे, जो हम पर बीता है वो आप लोग पर हम नहीं चाहते हैं कि आप पर बीते, आप लोग के लिए हम एक ही कोशिश करते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े साथियों, ये नहीं कि पीछे जाए, आप लोग को सही राह दिखाना ये हमारा लक्ष्य है साथियों। क्योंकि देखिए हमें पहले समझाने वाला कोई नहीं था, आज हम पर जब बीता हुआ है, हम पर जब समय ने जब समय का पहाड़ टूटता है, तो इससे बड़ा पहाड़ किसी का भी नहीं रहता है। क्योंकि साथियों देखिए जब समय सिखाता है ना, तो दुनिया का कोई भी चीज़ कोई भी साथ देते, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे, टाइम है साथियों, समय है, आप लोग अपने प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए, बाकी लाइफ में सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। चलिए तेलंगाना में 64 गया था हमारे दोस्त, तेलंगाना में 64 की जगह पर साथियों यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को तेलंगाना में हमारे मित्र 65 देखने को मिल जाएगा, 65 यानी कि 7 हो गया या फिर 66 हो गया, ऐसे ही आप लोग की 65 या फिर 67 यही रहने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। त्रिपुरा 55 गया था दोस्त, तो त्रिपुरा में आप लोग को 53 यहाँ पर जाने की संभावना है दोस्त साथियों। चलिए यूपी 123 गई हुई थी हमारे दोस्त, तो 103 यहाँ पर आप लोग की यूपी के गई थी, तो भाई देखिए यूपी का इस बार जो कटअप है आप लोग का बिहार के लेवल में रहने वाला है, 126 के ही अंडर में रहेगा, इससे ज़्यादा साथियों नहीं जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब हवा बाजी है, बहुत सारे 135 जाएगा ये जाएगा, अरे भाई हालत ख़राब हो जाएगा यार, खिलौना बुझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है 135 लाना है, क्या क्या करना। चलिए उत्तराखंड साथियों 110 गया हुआ था, आप लोग की जो संभावना है यहाँ पर उत्तराखंड 114 यानी कि 114 से लेकर के साथियों 116 उत्तराखंड के यहाँ पर कुछ कटअप जो है हाई देखने को इस बार मिल सकता है। वेस्ट बंगाल जो है 85 किया था मित्र, यहाँ पर आप लोग का 86 जाने की संभावना बनती है। छत्तीसगढ़ में 65 गया था हमारे दोस्त, तो छत्तीसगढ़ में देखिए 65 तो गया हुआ था पिछली बार, इस बार आप लोगों के क्या आने की संभावना है छत्तीसगढ़ में, तो देखिए भाई देखिए साथियों आप लोग से थोड़ा सा हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है
छत्तीसगढ़ में आप लोग का ये नहीं गया होगा था कटअप, इसीलिए जो है हम आप लोगों को जो है खुद से एक बार नोट्स जो है अच्छे से बना करके रखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में आप लोग का 88 गया हुआ था साथियों यहाँ पर पहले, ठीक है 88 गया हुआ था पिछली बार, और इस बार आप लोगों की क्या आने की संभावना बनती है दोस्त, तो इस बार आप लोगों की 87, इससे ज़्यादा नहीं छत्तीसगढ़ में जाने वाली है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का साथियों 65 गया हुआ था, कितना गया था तो भाई यहाँ पर आप लोग का जो है 65 गया था प्रीवियस ईयर की हम डाटा ये बतला रहे हैं, और इस बार आप लोगों के डाटा क्या आने की संभावना है तो दोस्त यहाँ पर आप लोगों के 63 आने की संभावना बनती है। साथियों देखिए दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कटअप है साथियों, पहले आप लोगों का यहाँ पर 48 गया हुआ था, ठीक है हम ये साथियों आप लोग का जो है जनरल एरिया का जनरल कैंडिडेट्स वालों का कटअप बतला रहे, ध्यान रखिएगा 48 गया हुआ था, इस बार आप लोगों की मैक्सिमम जाएगी ना दोस्तों तो 50 के अंडर ही रहेगा, इससे ज़्यादा साथियों कटअप हाई देखने को नहीं मिलेगा। हम यही बोलेंगे जो भी कैंडिडेट्स जो भी हमारे भाई हैं वो एग्जाम देकर के आ गए हैं तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए साथियों, किसी के बोलने से आप लोग अपने प्रिपरेशन को डाउन मत रखिए। हम हजार बार बोल रहे हैं जो चीज़ हम पर बीती है वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग पर भी बीते साथियों, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए साथियों। और देखिए ईयरली सक्सेस जो है ना, ईयरली सक्सेस बच्चों को जो है मैच्योर नहीं कर पाती है, तो मैच्योर अगर देखिए आप लोग अगर ईयरली सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि लाइफ में जो है आप लोग सक्सेस नहीं होंगे, होंगे यहाँ पर जो है एकदम क्यों नहीं होंगे भाई, एकदम होंगे, मगर ईयरली सक्सेस से आप लोग एकदम मतलब ये मत सोचिए ना कि भाई मेरे दोस्त है उसका बहुत जल्द तुरंत जॉब लग गया, वो प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए दोस्त आप लोग से एक ही बात बोलेंगे, एक ही निवेदन है, उनके पास लाइफ जीने की संभावना, लाइफ जीने की, जीना कैसे है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये जो है ये उनके पास तजुर्बा कभी नहीं रहता है। जो इंसान जो भी कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट आज प्रॉब्लम से झेलेंगे ना कल जाकर के वो जो कामयाबी हासिल करेंगे उनके पास सारा तजुर्बा रहता है, सारी तजुर्बा रहती है। तो चलिए साथियों आप लोग से निवेदन करेंगे आप लोग परेशान मत होकर कि हाँ नहीं हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, अपना मेहनत कंटिन्यू रखिए, लाइफ में सब अच्छा होगा साथियों। चलिए साथियों आप लोग से निवेदन करेंगे अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लग रही होंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथियों। आप लोगों के लिए हम लेटेस्ट अपडेट जॉब के बताते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब ऑनलाइन जॉब ऑफलाइन जॉब जितना भी जॉब रहता है सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं साथियों, ठीक है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए साथियों, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लग रही होंगी, चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।